हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल यासिर अली क्लासेस। और आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 से कंसर्न, जहां हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक बोर्ड से जो कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, जो मतलब एक्चुअल में अब चैप्टर शुरू हुआ है, जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड तो वीडियो बना चुके हैं, तो वो एक्चुअल में ज़्यादा समझ में अब आएंगी थर्ड वीडियो से, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करी गई थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ये एडवांटेज मिलेंगे, ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये नेचर है। तो आज की वीडियो में क्लियर होगा कि वो एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं क्या। सो हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, जहाँ पर हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो हेनरी फियोल ने हमें रिप्रेजेंट करे थे। अब ये हेनरी फियोल क्या है, तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं जो जिन्होंने क्या करा, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करा। हेनरी फियोल के कुछ लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल जनरली कंट्रीब्यूशन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेनरी फियोल के कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हेनरी फियोल के रिगार्डिंग है कि हेनरी फियोल को एक टाइटल दिया गया है। क्यों हम हेनरी फियोल के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि उनको एक टाइटल दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का। उनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब क्यों उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है ये भी अभी बता दें, हालांकि पॉइंट्स में भी मेंशन है, क्योंकि हेनरी फियोल ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट करे थे, जो इन टोटैलिटी 14 थे। 14 प्रिंसिपल्स जिसको मैजिकल प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट करे थे। एक गाइडलाइन के तौर पर आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मैनेजर्स के रिगार्डिंग बताया था कि इन प्रिंसिपल्स को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि हेनरी फियोल हैं कौन, क्या क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि उनको टाइटल क्या दिया गया है, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर का टाइटल दिया गया है। इसके अलावा जो हेनरी फियोल हैं उनका जो जन्म हुआ था, वो बॉर्न हुए थे 1841 में और उनकी डेथ हो गई थी 1925 में। एक्चुअल में ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअल में अभी आपके काम नहीं आया, आपके कॉम्पिटिशन में ज़रूर काम आएगा ये। ओके, तो हेनरी फियोल का जन्म हुआ था 1841 में, उनकी डेथ हो गई थी 1925 में। और उन्होंने अपना जो करियर था वो स्टार्ट करा था एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के हैसियत से, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में। और जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी वो ईयर था 1860 में हेनरी फियोल ने अपने करियर की स्टार्टिंग करी एक जूनियर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी में। ओके, क्योंकि वो एक्चुअल में कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, तो अपना करियर की शुरुआत उन्होंने अपनी होम कंट्री से ही करा, फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर 1860 से। एक्चुअल में उन्होंने मेन इसी कंपनी में रहकर कुछ काम कर रहे थे, मतलब अपने जो भी जिस पोजीशन पर काम कर रहे थे वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करा, लेकिन वो कुछ ऐसे काम थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे डिससेटिस्फाइड थे, अनहैप्पी थे, नाखुश थे, और वो टाइम टू टाइम बोलते रहते थे अपने सीनियर्स को कि ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी बदलनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जहां आप अपने जूनियर सबॉर्डिनेट के ओपिनियंस और एडवाइस को कंसीडर करते, वो लोग उनकी बात को इग्नोर करते थे, बस वो कहते थे कि तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन हेनरी फियोल काफ़ी कंसर्न थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये चीज़ें ऐसी कंटिन्यू चलती नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी अच्छी पोजिशन में है वो उसे टाइम नहीं लगेगा डिजॉल्व होने में। तो ये सोच थी हेनरी फियोल की पर्सनल, उनकी ये पर्सनल थिंकिंग काफ़ी सही भी रही क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पर डिसोल्यूशन के स्टेज पर चली गई थी। और फिर कंपनी ने हेनरी फियोल के एफर्ट और उनके प्रीवियस ओपिनियंस को देखते हुए डिसाइड करा था, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर कंपनी जा रही थी, कि उनको एक सीनियर पोस्ट दी जाएगी और फिर उनको कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया था 1888 के अंदर। मतलब उनके पास एक टॉप पोजिशन आ गई थी। CEO किस में आते हैं, बताया था टॉप लेवल में आते,
टॉप मोस्ट पोजीशन आ गए थे. फिर उन्होंने क्या करा, 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट ड्राइव करे खुद और उनको इम्प्लीमेंट करा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और उन 14 प्रिंसिपल्स के यूजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसोल्यूशन के स्टेज पर थी वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी काफ़ी कम टाइम में. अगर हम डेटा की बात करें तो एक्चुअल में 10 ईयर्स का रिकॉर्ड दे रखा है कि 10 साल के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई थी. तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो काफ़ी सक्सेसफुल थे और उन्होंने बाकी और लोगों के लिए भी इसको क्या करा, रिप्रेजेंट करा जहाँ पर आगे जो भी प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प हो सके और उन प्रिंसिपल्स को वो एक गाइडलाइन की तरह से एक हेल्प की तरीके से यूज कर सके. तो ये 14 प्रिंसिपल मैजिकल प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, इनके ही वजह से, इसी मेन कंट्रीब्यूशन की वजह से हेनरी फायोल को जो टाइटल दिया गया है वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं. सो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया है हेनरी फायोल के जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हेनरी फायोल कौन है, उनके पर्सनल लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में. कौन है, मेजर टाइटल जो उनको दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. बर्थ कब हुई, 1841 में. डेथ कब हुई, 1925 में हुई. करियर की शुरुआत कब करी, 1860 में करी, फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर. हालांकि उनको बाद में प्रमोट करा गया था 1888 में सीईओ के पोजीशन पर जहां उनको टॉप मोस्ट पोजीशन मिली और वहां रहकर उन्होंने उस पोजीशन का मिसयूज नहीं करा, उस पोजीशन की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और 14 प्रिंसिपल्स ड्राइव करे और उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में इंप्लीमेंट करे जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई. और इतने सक्सेसफुल प्रिंसिपल रहे तो हेनरी फायोल ने उसको एक बुक में भी पब्लिश करा और एक्चुअल में एक गाइडलाइन के तरीके से तौर एक गाइडलाइन के तरीके से या तौर के नाते बाकी प्रोफेशनल मैनेजर्स को इनको रिप्रेजेंट करा ताकि वो लोग इसको एक फंडामेंटल ट्रूथ या जनरल स्टेटमेंट के तरीके से यूज कर सकें. ओके, अब हम देखते हैं कि क्या वो 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फायोल ने रिप्रेजेंट करे थे और जिसकी वजह से उनको टाइटल मिला था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का. सो अगर हम पहले ही देखें कि 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वो 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या. एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स, मतलब इन टोटल 14 प्रिंसिपल्स को स्टेट करवाना या मेंशन करना पड़ता है, एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन 14 प्रिंसिपल क्या हैं वो आपको बताना है. सो उसके लिए वो 14 प्रिंसिपल एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल है बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी एक शॉर्ट फॉर्म के. तो इसीलिए एक शॉर्ट फॉर्म ड्राइव करी है जहाँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जिससे आप 14 प्रिंसिपल को आसानी से याद रख सकते हैं. और वो शॉर्ट फॉर्म है 14 प्रिंसिपल्स के लिए आई यूजेस, USES यूजेस डेड, DAD डेड कोर्स, COURSE. काउंट करें, मेंशन भी कर रखा है नंबर, ये 14 प्रिंसिपल हो जाते हैं. एक्चुअल में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का टाइटल दिया है तो 14 प्रिंसिपल बताए हैं, तो सिलेबस इतना बड़ा है तो हम उन्हीं के कोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. सो आई यूजेस डेड कोर्स ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मेमोरी टेक्निक है 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फायोल के हैं उनको मेमोराइज करने के लिए. अब ये जो आई यूजेस डेड कोर्स में हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर, अब इनके स्टैंडिंग फॉर्म क्या है हम पहले ये डिस्कस करते हैं. सो आई, और इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम ये 14 प्रिंसिपल्स के शॉर्ट फॉर्म, उनके स्टैंडिंग टर्म को डिस्कस करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो आई, जहां पर इस आई का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. यू किसके लिए स्टैंड हो रहा है यहाँ पर, यूनिटी ऑफ कमांड को. अब ये क्या है, इनका मतलब क्या है, एज आई मेंशन अर्लियर कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी से हम मेमोरी टेक्निक को याद कर रहे हैं. एस का मतलब है स्केलर चेन. ई किसके लिए रेफर हो रहा है, इक्विटी के लिए. एस देखिए, यहाँ इस पूरी मेमोरी टेक्निक के अंदर 3 एस हैं और 2 यू हैं और 2 डी हैं. मतलब तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पर पहले यूनिटी ऑफ कमांड लिखा तो अगर दूसरे की हम बात करें तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आप वो नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते. ओके, ई इक्विटी के लिए है. एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल के लिए दूसरा एस मैंने लिखा है. डी का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क है. ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अनदर डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन. सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. आर स्टैंड्स फॉर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एस स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. एंड ई स्टैंड्स फॉर एस्पिरिट डी कॉर्प्स. इस सब में आपको ये टर्म थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये क्या है.
एक्चुअल में ये एक फ्रेंच टर्म है, क्योंकि हेनरी फ्योल, इसीलिए प्रीवियसली मैंने आपको बताया उनके कुछ पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ एस्पेक्ट के बारे में, कि वो कहाँ बॉर्न हुए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इसीलिए ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, जो उन्होंने फ्रेंच टर्म से ड्राइव करा था, जिसका मतलब है, अभी यही अभी डिस्कस कर लेते, क्योंकि एक बहुत ही नया सा लैंग्वेज टर्म आपको देखने के लिए मिली है, फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, या फिर टीम स्पिरिट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, आई यूजेस डेड कोर्स, और ये आई यूजेस डेड कोर्स, ये पर्टिकुलर अल्फाबेट जो हमने यूज करे हैं, इनके स्टैंडिंग फॉर्म क्या है, ये अभी हमने समझे हैं। अब इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सिर्फ इस वीडियो को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का मकसद सिर्फ मेमोरी टेक्निक और हेनरी फ्यूल के इंपॉर्टेंट लाइफ एस्पेक्ट से अवेयर कराने का था। वेट करें आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां हम डिस्कस करेंगे इनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर आपको प्रिंसिपल दिया जा सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, या फिर केस स्टडी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये इस स्टेटमेंट से किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करा गया है। तो डिटेल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि ये जो एक इनिशियल एस्पेक्ट हमने कवर करा इस वीडियो में, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कंटेंट समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ क्लियर ज़रूर करें, हमें आप कॉमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।